हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जानेंगे सीखेंगे साइनोसाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस परिभाषा है। एक्यूट इन्फ्लामेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैरानेजल साइनस इज कॉल्ड एक्यूट साइनोसाइटिस। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट अक्यूज आफ्टर रेगुलरली इन्फ्लामेशन साइनस एक्यूट राइनाइटिस। इट अफेक्ट्स वन और मोर साइनसेस। यहाँ पे होता है दोस्तों साइनसेस। आप पिक्चर में देखिए जरा, हिंदी में इसका परिभाषा है, पैरानेजल साइनस के म्यूकस मेम्ब्रेन पर होने वाली एक्यूट इन्फ्लामेशन ही एक्यूट साइनसाइटिस होते हैं। यह अक्सर एक्यूट राइनाइटिस होने के बाद ही यह समस्या दिखाई देता है। यह एक या उससे ज्यादा साइनस पर असर करता है। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा डिटेल्स देखिए। आपको डिजीज डिफिनेशन से लेकर डिजीज डायग्नोसिस तक आपको ट्रीटमेंट तक मिलेगा। यहाँ पे कॉज और एक्सिस्टिंग फैक्टर्स क्या है, कारण क्या है। वायरल इन्फेक्शन पहला होता है, रिनो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। सेकंड जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जिसमें कि न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफिलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और इस्चेर्जिया कोली नाम के बैक्टीरिया से ये जो है एक्यूट साइनसाइटिस इन्फ्लामेशन होती है। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी डिटेल्स मिलेगा, जैसे कि एक प्रोफेशनल एमबीबीएस की तरह आप इलाज कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। कॉज एक्सिस्टिंग फैक्टर में क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है पहला, सहायक तत्व क्या है, नेजल इन्फेक्शन एग्जांपल एक्यूट राइनाइटिस जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, नजल जुकाम कहते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एग्जांपल डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, फॉरेन बॉडी इन द नोज, स्विमिंग एंड बाथिंग ऑन हाइजीनिक पूल्स, फ्रैक्चर ऑफ द साइनस वॉल, लोअर बॉडी रेसिस्टेंस, डेंटल एंड फैरेंजियल सेप्सिस, एलर्जेंस एग्जाम्पल धूल धुआं, सेंट परफ्यूम इत्यादि। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में जरूर बेल बटन प्रेस करें ताकि आप तक वीडियो पहले पहुंचे, और मोटिवेशन के तौर पर लाइक जरूर करें और अपनों के पास जरूर ये वीडियो भेजें ताकि वो अपने आप को इलाज कर सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते इसी तरह से और जानते हैं एक्यूट साइनसाइटिस इस ठंड के मौसम में कितने परेशान करते हैं लोगों को और ठीक कैसे कर सकते हैं। लक्षण एवं चिन्ह जो है, साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट वॉज सफरिंग कॉमन कोल्ड, हिस्ट्री देता है आपको कि पेशेंट पहले से जो है कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है, नजला जुकाम से। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद हो रहा होता है उनको, और मेलाइज आलसी होते हैं, और हेडेक, सर में दर्द होते हैं बहुत सारी, और माइल्ड फीवर होता है, और नेजल वॉइस जो है नाक से बोलते हैं, और एनोजमिया, गंध पता नहीं चलता है, टेस्ट पता नहीं चलती है कई बार, नेजल पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी बहते रहते हैं रेगुलर, और साइनस एरिया में टेंडरनेस होता है। कई बार तो ये जो गंध पता नहीं चलता है इस वजह से लोग कहते कहीं कोविड तो नहीं हो गया, बट ये होती नहीं कोविड। कोविड में जो है सांस फूलने का एक अलग सिम्टम आता है, शॉर्ट ब्रीथिंग करके, एसओबी कहते हैं जिसको। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी तरह से वीडियो देखिए। आपको डिजीज सिम्टम से लेके कॉज आपको पूरी तरह से वीडियो मिलेगा यहाँ पे, और आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद ही एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करा सकते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, सीआरसी रेटिंग प्रोटीन करा सकते हैं एक्यूट केस देखने के लिए। जो है रिपोर्ट में आपको सीबीसी मिलेगा, टीएलसी काउंट हाई मिलेगा, और डिफरेंशियल काउंट आपको न्यूट्रोफिल हाई मिलेंगे, लिम्फोसाइट लो मिलेगा, और सीआरपी पॉजिटिव होते हैं, और जहां पे क्वांटिटी में आता है वो आपको रेज मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। एक्सरे पीएनएस करा सकते हैं, जिसमें आपको एक्सरे फाइंडिंग मिलेगा, फ्लूड लेवल दिखाई देता है, हेजीनेस और वैक्यूम जो है साइनसिस दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा फीडबैक में आप जरूर लिखें कमेंट्स में, और मैं अगला वीडियो किस डिसीजन बनाऊँ वो भी जरूर लिखें। कॉम्प्लिकेशन में जो है समस्या जो है आगे जाके क्या हो सकती है अगर इलाज ना कराएं हम एक्यूट साइनसाइटिस को, तो क्रोनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकते हैं, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस यहाँ पे होते हैं पस फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह का, और ओस्टेटाइटिस हो सकता है, और जो ओस्टोकोमेलाइटिस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस सबसे खतरनाक कंडीशन है, जिसमें पेशेंट एक तरह का जो है पागलपन के सिचुएशन पहुंच जाता है, जहां पे हमें ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाते हैं, ठीक करने का टाइम लग जाता है। अब ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, ट्रीटमेंट दो तरीके है, टू बी कंट्रोल इन्फेक्शन। एक तो हमें कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को, अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं पेनिसिलिन ग्रुप का, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, और ये जो स्ट्रेंथ होता है 500 एमजी का होता है, 500 एमजी होता है, तो एडल्ट में हमेशा 500 एमजी यूज़ करना है। आप तीन टाइम चार टाइम दे सकते हैं, टीडीएस भी दे सकते हैं, क्यूआरडी भी दे सकते हैं ये मेडिसिन, और देखना है कि कोई एलर्जी ना हो उसके हिसाब से आपको देना है पेशेंट को।
और इससे अच्छे में जाएंगे तो एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन है, 250-500 mg के स्ट्रेंथ में आता है। आप ओडी बीडी भी देख सकते हैं इस तरह का भाई। और अच्छे में जाना चाहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन आप यूज़ कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ये चीप होता है एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन के तुलना में। डॉक्सीसाइक्लिन थोड़ा सस्ता होता है, टेट्रासाइक्लिन और सस्ता होता है, सिप्रोफ्लेक्सिन थोड़ा महंगी होती है और कोट्रिमोक्सा जो है और अच्छा, लेकिन इससे काफ़ी साइड इफेक्ट होने डर रहता है सेफ्रान से, तो बहुत लोग कम यूज करते हैं। सेफेलेक्सिन ग्रुप यूज करते हैं, सेफेक्सिम और सेफ्रेक्सिन यूज करते हैं। सेफ्रेक्सिन थोड़ा महंगा हो जाता है, सेफेक्सिन थोड़ा सस्ता है, तो 8-9 रुपये गोली पड़ते हैं आप दे सकते हैं। सेप्रोडक्सिन और महंगा हो जाता है, ऑगमेंटिन और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है, 28-30 रुपये गोली हो जाते हैं, तो महंगी हो जाती इलाज। तो आप जो है मिनिमम कॉस्ट से शुरू करें और इलाज करें तो अच्छा हो जाएगा। ये तो एंटीबायोटिक आपका सिलेक्शन हो गया। ऑगमेंटिन 625 आप यूज कर सकते हैं 3 टाइम। अब आते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि एक एक्चुअल एंटीबायोटिक जो है पूरा काम नहीं करता, तो पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को भी साथ लेना पड़ेगा। एंटी हिस्टामिनिक में जो एंटी एलर्जिक आपको देना पड़ेगा, सीपीएम दे सकते हैं, क्लोरोक्विन मिलेट एबिल कहते हैं 2 से 4 mg 2 से 3 बार, ज़्यादा सेडेशन कर रहा है, झूम कर रहा है, नींद आ रही है, तो आप इसमें आप चेंज कर सकते हैं, फिनीरामिन मिलेट एबिल भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा नींद आता है इसमें तो आपको जो है सेट्राजिन टैबलेट देना है, 5 से 10 mg का लिपसेट्राजिन दे सकते हैं, उसे और अच्छे में जाएंगे नींद नहीं आएगी, तो टर्पिनाडिन एलेगार्ड नाम से आता है 60 mg, और जो है 120 mg का आता है ओडीबीडी आप दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है आप और जो है और भी ऐसे एंटी एलर्जिक है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रैक्स यूज कर सकते हैं जिसमें नींद कम आती है, तो इस तरह के आप एंटी एलर्जिक को यूज करके जो है कम कर सकते हैं एलर्जेंस को, और बलगम कम बनता है तो आपको सांस लेना आसान होगा। पेशेंट का हमेशा सोने का एडवाइस देना है लैटरल पोजिशन में, करवट लेटे कहिए, तो इस कंडीशन में एक तरफ नाक खुला रहेगा। अब आते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, नेजल डिसकंजेशन जो नाक बंद हो रहा है उसको खोलने के बाद नेजो के लिए नर्मस लाइन का जो नेजल ड्रॉप आता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 4 बूंद डालने हैं नाक में और नोस्ट्रिल में, और दिन में 3 से 4 बार। अगर आप ड्रॉप निजीवन यूज करते हैं या अगर एसिड यूज करते हैं डिकंजेस्टेंट, तो उससे कई बार क्या होता है जो है रिबाउंड प्रोसेस हो जाता है, नाक तो खुल जाती है सांस लेने में लेकिन कुछ देर बाद बहुत तगड़ी बंद होता है, और वो एक जो है रिबाउंड प्रोसेस बार बार होता है, दिक्कत करता है। आपको इसके लिए अच्छा होगा कि स्टीम लेने सलाह दें, और स्टीम लें वो अच्छा रहेगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी में आप जो है नालजेसिक में दर्द होता है तो उसके लिए आप जो है कॉम्बिनेशन में आता है पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन का, और जो है फिनाक प्लस आता है डाइक्लोफेनाक सोडियम का पैरासीटामोल का, और एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसको यूज कर सकते हैं जो है 2-3 टाइम के हिसाब से इन्फ्लामेशन कम करना जरूरी है, तो 5 से 7 दिन इसको भी देना है। मोन्टोलिकास्ट आप जो है लंग लाइफ देने के बाद में जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इस तरह के अस्थमेटिक प्रॉब्लम से और ये एलर्जिक प्रॉब्लम से, तो आप मोन्टोलिकास्ट जरूर यूज करें, 10 mg का ओडी और बीडी आप दे सकते हैं, और साथ में मल्टीविटामिन दे सकते हैं आप, जिसमें जो है आपको A to Z है, विटामिन सी है, इस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।